मनुष्य देह में ईश्वर दर्शन होगा या नहीं, यह प्रश्न गीता भक्त के मन में पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि उसे कर्म का ही अधिकार है, फल का कभी नहीं। और जिस बात का अधिकार नहीं है उसका विचार क्यों किया जाए। तथापि मेरी राय है कि देह रहते पूर्ण साक्षात्कार असंभव है। हम ठेठ उसके पास तक पहुंच जरूर सकते हैं, मगर शरीर की सत्ता के कारण द्वार प्रवेश असंभव मालूम होता है। ईश्वर की विरह का दुख हमें सदा ही रहना चाहिए। वह न रहेगा तो प्रयत्न बंद हो जाएगा या शिथिल पर जाएगा। विरह दुख का परिणाम निराशा नहीं, आशा होनी चाहिए। कोशिश थोड़ी भले ही हो, परंतु वह बेकार कभी नहीं जाती। यह भगवान की प्रतिज्ञा है, इसीलिए हमारा विरह दुख भी आनंददायक हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें विश्वास होना चाहिए कि किसी न किसी दिन साक्षात्कार जरूर होगा। ईश्वर का साक्षात्कार राग द्वेषादि से सर्वथा मुक्त होने से ही हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं। यह वस्तु अनुभव गम्य है, परंतु अनिर्वचनीय है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। हिंदू धर्म में पग पग पर तप है। पार्वती शंकर को पाना चाहती है तो तप करे, शिव से भूल हुई तो उन्होंने तप किया, विश्वामित्र तो तप की मूर्ति ही थे, राम जब वन को गए तो भरत ने योगारूढ़ होकर घोर तपश्चर्या प्रारंभ की और शरीर को सुखा दिया।